हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों जिसमें वॉल इन असमेंट के थ्रू कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों इसमें टोटल एक सौ नवासी पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई हैं जिनमें कुछ पोस्टों की वैकेंसी की डेट एक्सपायर हो गई हैं एंड कुछ की अभी बची हुई हैं जैसे दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे पहली पोस्ट है असिस्टेंटल इमरजेंसी के लिए जिसके लिए नौ पोस्ट आई हुई है दोस्तों जिसमें से एस के लिए एक कश्ती के लिए एक ओ के लिए दो यू के लिए चार एन के लिए एक रखी गई थी जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है दोस्तों तेईस ग्यारह दो हज़ार बीस से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था एंड इसमें पच्चीस ग्यारह दो हज़ार बीस तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी तो दोस्तों इसमें यहाँ तक की डेट एक्सपायर हो गई है एंड इसमें यहाँ से अभी डेट एक्सपायर नहीं हुई है जिसमें पोस्ट का नाम सेक्रेटरी है जिसके लिए तीन पोस्ट आई हुई है दोस्तों जिसमें से ओ के लिए एक है यू के लिए दो पोस्ट रखी गई है इसके फॉर्म को सबमिट करने की स्टार्टिंग डेट 11 बारह 2020 है लास्ट डेट 15 बारह 2020 की रखी गई है इसकी अगली पोस्ट है पैथोलॉजी की जिसके लिए सात पोस्ट आई हुई है दोस्तों जिसमें से एसटी के लिए एक है ओबीसी के लिए दो है यूआर के लिए तीन एंड ई के कैंडिडेट के लिए एक है इसमें इसको आप चौदह बारह दो हज़ार बीस से सोलह बारह दो हज़ार बीस तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है बायोकेमिस्ट्री की जिसके लिए चार वैकेंसी आई हुई है इसमें से ओबीसी के लिए दो है यू के लिए एक है एंड ई डब्ल्यू के कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी दी गई है इसे आप पंद्रह बारह दो हज़ार बीस से सत्रह बारह दो हज़ार बीस तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसकी अगली पोस्ट है माइक्रोबोलॉजी की जिसके लिए चार वैकेंसी आई हुई है जिसमें से ओ के लिए एक है यू के लिए तीन है एंड इसको आप 16 बारह दो हज़ार बीस से अठारह बारह दो हज़ार बीस तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें अगली पोस्ट है दोस्तों कम्युनिटी मेडिसिन के जिसके लिए पांच वैकेंसी आई हुई है एंड इसमें एस के लिए एक है ओ के लिए दो है यू के, के लिए एक एंड ई डब्ल्यू के लिए एक वैकेंसी है इसे आप सत्रह बारह दो हज़ार बीस से इक्कीस बारह दो हज़ार बीस तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है रेजियोथेरेपी की जिसके लिए दो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों जो कि दोनों यू ओ बी सी के लिए रखी गई है इसे आप अठारह बारह दो हज़ार बीस से सत्रह सत्रह बारह दो हज़ार बीस तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके में अगली पोस्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए जिसके लिए तीन वैकेंसी दी हुई है जिसमें एस के लिए एक है एन ओ के लिए एक है इसे आप सोलह बारह दो से तेईस बारह दो तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें अगली पोस्ट है दोस्तों एनाथोमी की जिसके लिए तीन वैकेंसी आई हुई है जिसमें ओ के लिए एक है एंड के लिए दो वैकेंसी दी गई है इसे आप बाईस बारह दो से चौबीस बारह दो तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है फार्माकोलॉजी की जिसके लिए तीन पोस्ट आई हुई हैं तीन वैकेंसी आई हुई हैं एंड इसमें ओबीसी के लिए एक है एंड इसमें यू के लिए दो वैकेंसी दी गई हैं दी है। इसे आप तेईस बारह दो हज़ार बीस से अट्ठाईस बारह दो हज़ार बीस तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है दोस्तों साइकोलॉजी की जिसके लिए दो पोस्ट दी गई हैं एंड ये ओ के लिए एक है न्यू ऑर्क के लिए एक है इसे आप चौबीस बारह दो से उनतीस बारह दो तक जमा कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्ट है डेंटल की जिनके लिए एक वैकेंसी दी गई है और वो एक वैकेंसी से में ओ के लिए दी गई है इसे आप 25 बारह 2020 से 30 बारह 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों टोटल इसमें 179 वैकेंसीज आई हुई हैं चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन की तो इसमें एम बी बी एस पी जी डिग्री डिप्लोमा इन मेडिसिन सर्जरी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड आर्थोप्राइस एंड ई एन टी एंड अर्थोपोलॉजी साइकट्रिक्स डर्मापोलॉजी रेडियोलॉजी के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इसमें सैलरी पैकेज की इस वैकेंसी में कितना सैलरी पैकेज रखा गया है तो इसमें मिनिमम सतसठ हज़ार सात सौ से दो लाख आठ हज़ार सात सौ की सैलरी पैकेज रखा गया है एंड बात करें इसमें एज लिमिट की तो इसमें चालीस साल की एज लिमिट रखी गई है दोस्तों एंड इसमें रिलेक्स एवेलेज भी रखी गई है जिसमें एस टी के लिए पाँच साल ओ के लिए तीन साल एंड पी के कैंडिडेट के लिए दस साल की एंड एस टी प्लस पी के कैंडिडेट के लिए पंद्रह साल की एंड एस टी प्लस ओ के कैंडिडेट के लिए तेरह साल की रिलेक्स एवेलेज रखी गई है दोस्तों अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी की कि इस वैकेंसी में कितनी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है तो इसमें जनरल ई डब्ल्यू एस ओ के कैंडिडेट के लिए पाँच सौ की और एस टी एस सी के कैंडिडेट से तीन सौ की एंड पी डब्ल्यू डी के कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो, तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों या फिर आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग